ड्रामेटिक भी है, इमोशनल भी है. फॉर कुछ लोगों के लिए इमोशनल है, कुछ लोगों के लिए ड्रामेटिक है. अब वो कौन इमोशनल है और कौन ड्रामेटिक वो आप देखिएगा. बट हाँ, घर में मतलब ब्लास्ट हुआ है इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि लेकर. तो ब्लास्ट के बाद अब किसका प्लान था, किसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, और कोई बढ़ते बढ़ते बच्चा है और मैं मतलब उसकी देवरानी हूँ, तो फिर हमारा जो कनेक्शन अभी बहुत प्यारा दिखाया है. तो उसमें आई वॉज ऑफकोर्स वेरी इमोशनल एंड थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि ऐसा कैसे हुआ कि किचन में खाना बनाते बनाते ब्लास्ट हुआ. तो किचन पॉलिटिक्स इसमें दिखाई गई है, मतलब एक तरह किचन पॉलिटिक्स इसमें, किचन पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे बट हाँ कह सकते हैं कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है. पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं, पर हाँ वही जैसे हाउ इट इज, यू नो हाउ इट इज, राइट, कि किस तरीके से उसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कुछ लोग, और वो कैसे उससे कोप अप कर रही है सिचुएशन से, और कैसे बाकी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही है. निहार का रवैया और आपका रवैया उनके प्रति कैसा है? निहार का रवैया अभी रुचिता की तरफ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. जैसे कि शुरू से हम देख रहे हैं कि उसको शादी करने का बिल्कुल मन ही नहीं था, स्पेशली विद रुचिता. तो फोर्सफुली उसकी शादी कराई गई, पापा की वजह से उसने शादी करी है. तो अभी उसका रवैया थोड़ा ऐसा है कि मतलब उसको पसंद नहीं है, पर कुछ ना कुछ कहेंगे खाटू श्याम जी की वजह से या जो भी हम सिचुएशंस आ रही हैं, वो अपने आप दोनों आसपास उनकी दूरियां दूर हो रही हैं और पास आ रहे हैं. तो उसे भी समझ नहीं आ रहा और हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों का रिश्ता आगे कहाँ जाने वाला है. पर उसके मन वो न्यूट्रल है, ही इज जस्ट बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग. मंदर दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ऐसे ही पसंद करते रहिए. और जब फर्स्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी हमने यही बोला था कि ये शो बाकी शोज से थोड़ा सा हटके हमने बनाने की कोशिश की है. सब लोग मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो में, अपना पूरा दिन रात हमारा इस शो में जा रहा है, और अगर हमारी मेहनत सफल हो रही है तो हमें और मन करेगा इस शो में और मेहनत डालने का. मैं हर सीन में सुंदर लगती हूँ, मन सुंदर, बाहर सुंदर, सब सुंदर. मन सुंदर की सर मैम बात करें तो अंदर से कितना मन सुंदर है, और मन सुंदर की टीम में कितना सुंदरता है? ऑनेस्टली है बहुत. मतलब हमारा बेस्ट पार्ट जो मुझे ये लगता है कि हम सब इवन इफ लाइक सबके अलग अलग कॉल टाइम्स होते हैं, सबके अलग अलग पैकअप टाइम्स होते हैं, फिर भी हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं. जो भी 5-10 मिनट अपने को मिलते हैं, अरे सुन आज तेरे घर से क्या आया, अरे सुन आज तेरे घर से क्या आया, अच्छा भिंडी आ गया, अच्छा ये है, तो सब लोग मिल बांट के खाते हैं. तो वो सब है ना कि इतना थक जाते हैं, फिर भी जो घर जैसा माहौल होता है कि हम, क्योंकि अब कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, अगर मैं सारी जो चीज़ें नहीं बतानी हो यही बता दूंगी तो फिर टीवी तो तैयार भी तो आप ही ले लेंगे सारी की सारी. हाँ, पहले ही पता चल जाएगा हमारे ऑडियंस को. तो हाँ, मन सुंदर है तो मन सुंदर क्या मतलब, पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली घर के अंदर. अभी तो मन सुंदर होने के बावजूद वो लड़की कैसे इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल रही है, उसके मन सुंदर होने के बावजूद वो कैसे इन चीज़ों से लड़ रही है, और बाकी लोग जो उसे पसंद नहीं करते हैं फिर भी उसे पसंद करना शुरू कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट मन. इनका रवैया सबके साथ सिर्फ सिर्फ मस्ती का है और कुछ नहीं है. इनको सेट पे वैसे तो मुझे बहुत बुराई करने का मन है इसका, पर इसने मुझे अभी सामने ही खड़े हुए आंखें दिखा रहा है मुझे, तो थोड़ा झूठ बोल देती हूँ मैं. सेट पे इसको गुस्सा नहीं आता कभी भी, मतलब ऐसा होता है कि 12 बजे बुला लिया फिर भी सीन नहीं है या ऐसा कुछ, तो सब लोग इसको देख के ऐसे बोलते हैं अरे इसको गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, लगड़ाते हुए पूरे टाइम मूड में रहना है. तो हाँ, कुछ कुछ चीजें देवर जी में अच्छी है, टाइम पास कर लेते हैं हम अपना. देवर और भाभी का कैसा कॉम्बिनेशन है इस सीरियल में? बहुत प्यारा रिलेशनशिप दिखाया है अभी तक फिलहाल. चुप रह लो तुम लोग, हाँ मेरा तो काफी मतलब हम लोग का रिलेशनशिप बहुत प्यारा दिखाया है फिलहाल. तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे, जैसे कि एक सीन था बहुत प्यारा सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जहाँ पे निहार कंफ्यूज है अबाउट कि ये चल क्या रहा है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसकी वजह से पापा को हार्ट अटैक आ गया है. तो भैया और भाभी दोनों जाते हैं उसे समझाने के लिए कि निहार हम जानते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है, मगर फिर भी तुमने जिसके लिए शादी करी अब उसके लिए रिश्ता निभाओ. और वो इमोशनल बॉन्ड जहाँ पे वो अपने बचपन की यादें दिखा रहा है, वो अपने भाई से बात कर रहा है कि भाई देखो यहाँ पे मैं मेरा हाथ टूट गया था तो पापा मुझे मैगी खिला रहे हैं. फिर मैं उसे समझा रही हूँ कि निहार भैया
आपने भी रिश्ता बना तो लिया है, आपका भी रिश्ता जिसके लिए बनाया उसके लिए निभाना भी है, तो ये भाई भाभी और देवर का जो वो पर्टिकुलर सीन था वो मेरा फेवरेट था। तो निहार किसकी ज्यादा बात मानते हैं, भैया भाभी या किसकी? निहार ऑफकोर्स पहले तो भाई की मानेंगे क्योंकि भाई बड़े भाई हैं, ज्यादा टाइम रहे हैं, और भाभी की भी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ कुछ सीन्स सिर्फ भैया भाभी के बिना, मतलब सिर्फ भाभी और देवर के भी हुए हैं जहाँ पे मैं उसे सॉरी बोल रही हूँ या ऐसा कुछ, तो वो सारे सीन्स बहुत प्यारे हैं, मतलब बहुत प्यारे लिखे आ रहे हैं, सीन्स जो भी लिखे आ रहे हैं।